मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र पुलिस के डीआईजी निशिकांत मोरे के खिलाफ पॉक्सो के तहत नवी मुंबई के तलोजा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। डीआईजी निशिकांत मोरे पर एक 17 साल की नाबालिग लड़की का उसी के बर्थडे पार्टी में शारीरिक शोषण करने का आरोप है। ये बर्थडे पार्टी का वीडियो दरअसल 5 जून का है। नवी मुंबई में अपने दोस्त की बेटी की बर्थडे पार्टी में मौजूद हैं। बर्थडे पार्टी में केक काटने के बाद घर के सदस्य लड़की के मुंह पर केक लगा देते हैं। उसके बाद तस्वीरों में कैद होती है डीआईजी की हरकतें, जो लड़की के मुंह पर लगे केक को चाटते हुए नजर आए। बर्थडे के लिए केक मंगाया, मेरा बेटा केक लेने जाता है, मेरे को बोलता है थोड़ा घर पे आया तो दारू तो पिला दो। मेरे को मांगा, मैं दारू लेके इसको पिलाया। दारू बाद पीने के बाद जब केक काटा तो मेरी बेटी के मुंह पे बच्चों ने केक लगा दिया। वो केक ऐसा चाट रहा है, मेरे को तकलीफ नहीं हुआ। मेरे को 2 मिनट बाद में समझ आया, दोस्त था इसलिए 2 मिनट बाद में समझ आया, दोस्त था इसलिए 2 मिनट लग गया मेरे को समझने में ये क्या मेरी गलती है। 2 मिनट में मेरे दोस्ती का आगे से पर्दा हटा तो उसने देखा कि मेरी बेटी का ऐसे ऐसे गाल चाट रहा है, क्या उसको गाल चाटना चाहिए था। हालांकि इसकी शिकायत परिवार वालों ने पुलिस में करनी चाहिए, मगर शिकायत कहीं नहीं सुनी गई। इसके बाद डीआईजी निशिकांत मोरे की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि लड़की के घर और ट्यूशन सेंटर पर लड़की का पीछा करवाने लगे। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की का पिता एक पुलिसकर्मी को पकड़कर बेटी का पीछा करने का आरोप लगा रहा है। ये पुलिसकर्मी डीआईजी निशिकांत मोरे के अधीन काम करता है, जो लड़की के ट्यूशन सेंटर के बाहर गाड़ी में बैठा था। पिता के पूछे जाने पर ये पुलिस वाला कुछ जवाब नहीं दे पाया। मेरी बेटी किधर है? बंदा छुट्टी पे, गाड़ी लेके कैसे घूम रहे हो तुम लोग? मेरी बेटी क्या है? परिवार ने इस वीडियो को भी पुलिस में अपनी शिकायत के साथ दिया है। आखिरकार करीब 6 महीने दर दर भटकने के बाद नवी मुंबई के तलोजा पुलिस स्टेशन में डीआईजी निशिकांत मोरे पर पोक्सो के तहत एफआईआर दर्ज है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार और डीआईजी निशिकांत मोरे के घरेलू संबंध थे और बिजनेस पार्टनर भी थे, और इनके बीच बिजनेस को लेकर भी विवाद चल रहा था। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।